दोस्तों जय जगन्नाथ, मैं हूं सुज्ञान और स्वागत करता हूं आप लोगों को हिस्टोरिकल गुरुजी YouTube चैनल में चल रहा सत्य संदान सीरीज के और एक एपिसोड। दोस्तों मैंने जब पाइक सेना के ऊपर 3 वीडियो बनाया था तब बहुत से लोगों ने मुझे अस्त्र शस्त्र के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए अनुरोध किया था और आप लोगों का मान रखते हुए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों अस्त्र शस्त्रों के ऊपर कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अस्त्र पूजन के बारे में। अस्त्र पूजन क्यों और कब शुरू हुआ सब जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जानेंगे कि उड़ीसा में अस्त्र पूजन कब शुरू हुआ और खंडायतों के लिए अस्त्र पूजन क्यों जरूरी है, और आखिर में जानेंगे अस्त्र पूजन के बारे में मेरा विचार क्या है। जो नए दर्शक हैं मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप पाइक सेना के ऊपर आधारित 3 एपिसोड भी देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तभी जाकर आपको पाइक सेना के ऊपर पूर्ण ज्ञान मिल पाएगा। अस्त्र पूजन के बारे में जो पहला प्रमाण हमें मिलता है वो मिलता है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित महाग्रंथ रामायण में। जब भगवान श्री राम रावण का वध करने हेतु युद्ध का प्रारंभ करते हैं तब वो माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपने अस्त्रों को उनके चरण के सम्मुख पूजते हैं। उसी दिन से क्षत्रियों ने इस प्रथा का पालन करते आ रहे हैं। दशहरा में अस्त्र पूजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और इसी के साथ भारत के जितने भी क्षत्रिय जातियां हैं वो सब ये प्रथा का पालन करते हैं। और उन्हीं क्षत्रिय जातियों में से एक जाति है उड़ीसा के खंडायत जाति, जो मशहूर है अपने वीरता, अपने बहादुरी और अपने बलिदान के लिए। अगर हमें उड़ीसा में अस्त्र पूजन का इतिहास जानना है तब हमें इतिहास में 2261 साल पीछे जाना होगा। दोस्तों ये दौर था कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध महाभारत युद्ध के बाद भारत की धरती में लड़ा जाने वाला सबसे खूनी लड़ाई था, जिसकी भीषणता इतना था कि दया नदी खून से लाल हो गई थी। इस युद्ध में खंडायतों का मगध सेना के हाथों हुए पराजय कलिंग के भाग्य को अंधकार में धकेल दिया था। जरूरत था इस जाति के आत्मविश्वास को फिर से पुनः जागृत करने का। जब मौर्य शासन कमजोर हुआ तब उड़ीसा में सर उठाया चेदी वंश। इस वंश के महान शासक महाराज सूरत ने फिर से खंडायतों को एकत्रित किया और विलुप्ति की कगार पे खड़ा अस्त्र पूजन के परंपरा को पुनः जीवित किया। महाराज सूरत के पश्चात ये परंपरा को उनके ही वंशज हमारे प्रिय महाराज महामेघवान श्री अर खारवड़ जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया और उनके ही शासन के दौरान हर गांव में पाई का अखाड़ा का प्रतिष्ठा करवाया गया। उसी समय ग्रीक के सेनापति डिमिट्रियस अपने सेना लेकर मथुरा तक घुस आया था। उसका लक्ष्य था मगध। हालांकि मगध कलिंग का दुश्मन राज्य था, फिर भी सारे दुश्मनी को भूलकर कलिंग मगध को बचाने के लिए सामने आया था। महाराज खारवड़ डिमिट्रियस अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत तक खदेड़कर भारत तथा मथुरा का लाज रखा था। उसके बाद ये परंपरा को सोमवंशी शासकों ने आगे बढ़ाया। हालांकि सोमवंशी शासक शिवजी के उपासक थे, फिर भी वो शक्ति पूजा में विश्वास रखते थे। सोमवंशी दशहरा में अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को उनके इष्ट देवी माँ तांबेश्वरी के पास पूजते थे। सोमवंशियों के बाद गंगवंशियों का शासन आया। महाराज राउत अनंत वर्मा चोड़गंगा थे, शक्ति उपासक थे और वो ही पुरी में गोसाणी यात्रा का शुरुआत करवाए थे जो कि माँ बिमला को समर्पित है। दोस्तों हम सबको पता है कि पूर्वी भारत में कोलकाता के बाद कटक दूसरा वो शहर है जहाँ दुर्गा पूजा को सबसे ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों इसका श्रेय भी उनको ही जाता है। उनके समय में ही कटक को उड़ीसा का राजधानी बनाया गया। उस समय उड़ीसा में जितने भी दुर्ग हुआ करते थे उसके अंदर एक बड़े से मंदिर में माँ दुर्गा जी के किसी ना किसी एक स्वरूप को पूजा जाता था। उसे कुल देवी या फिर इष्ट देवी कहा जाता था। इसी तरह अस्त्र पूजन का परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। हमारे प्रिय गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव ने अपने फेमस किताब दुर्गा शोभा चंद्रिका में उनके समय दुर्गा पूजा कैसा मनाया जाता था और अस्त्र पूजन का विधि क्या होता था उसके बारे में सविस्तार लिख चुके हैं। अश्विन से लेकर ज्येष्ठ महीने तक युद्ध करने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता था। उड़ीसा में दो तरह का दुर्गा पूजा होता है,
एक है घट पूजन और दूसरा है विग्रह पूजन। हमारे वंश में घट पूजन किया जाता है। घट पूजन का विधि ये है कि एक बड़े से कलश में पहले पानी लाया जाता है और उसमें माँ दुर्गा जी के प्राण प्रतिष्ठा करवा के जितने भी पुराने हथियार हैं और जो नए हथियार भी है उनको निकाला जाता है। उसको स्वच्छ पानी में साफ करके उसमें धोती लपेट कर चंदन के टीका और सिंदूर लगा के पुष्पमाला के समेत दुर्गा माता के चरण में समर्पित कर दिया जाता है। विजयादशमी के दिन सारे खंडायत अपने नए और खानदानी हथियारों के साथ एकत्रित होते हैं। ढोल नगाड़े बजता है। पहले छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों को अपने युद्ध कौशल दिखाने का मौका मिलता है। फिर आता है अनुभवी बुजुर्गों के बाद। वो बड़े बड़े कदम डालकर और हाथ पैर को पटक कर वार्म अप करते हैं और उसके बाद वो अपना पराक्रम दिखाते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ क्षत्रियों का पूजा होकर आज नहीं रह गया है। इसको समाज के और दूसरे वर्ण के लोग भी धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम प्राचीन भारतीय अस्त्रों के ऊपर बात करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। और मेरा दूसरा उड़िया चैनल जिसका नाम है फैक्ट्स दुनिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और आज का प्रश्नों की बारी, मैं आज आपको एक प्रश्न पूछूंगा जिसका भी उत्तर सही होगा, देखते हैं किसका उत्तर सही होता है। तो आप मुझे बताइए कि अस्त्र एवं शस्त्र के बीच क्या फर्क होता है। क्वेश्चन और एक बार सुन लीजिए, अस्त्र और शस्त्र के भीतर क्या अंतर होता है। और हाँ दोस्तों, पाइक सेना के ऊपर जो 3 एपिसोड मैंने बनाया है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वो वीडियो को भी देखकर वो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अनसंग वॉरियर सीरीज के और एक एपिसोड के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।